क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एकमात्र अभी तक उपस्थित विकल्पों में एकमात्र ऐसे विकल्प के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने युवाओं के प्रति युवावस्था में ही भारत के प्रति एक विशिष्ट छवि विश्व में स्थापित की है। अकेले नंबर कभी भी बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा एक भी दीपक पूरे विश्व को दीप्यमान करने के लिए सामर्थ्य रखता है। और स्वामी विवेकानंद जी उसी प्रकार की ऊर्जा और ज्ञान रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी से हमें एक चीज़ और शिक्षा मिलती है, हम जिस प्रकार आज के अंधानुकरण में विदेशी संस्कृति से और चलने वाले जितने भी विद्यालय हैं उसमें उनके प्रति हमारी आसक्ति रहती है, स्वामी विवेकानंद का नाम विश्व में लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने किसी भी विदेशी शिक्षा और विदेशी पद्धति से शिक्षा नहीं ग्रहण की। स्वामी विवेकानंद उस समय उपस्थित किसी भी स्कूल में नहीं गए। स्वामी विवेकानंद रामचंद्र परमहंस जी के अपने गुरु जी के पास गए और स्वामी विवेकानंद जी ने रामचंद्र परमहंस से भी कोई भौतिक ज्ञान की शिक्षा नहीं प्राप्त की। इसका मतलब केवल यह है कि आध्यात्मिक शिक्षा, हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा जो कहीं रह रही है समाज में, उसको उसके प्रति जो हम हमारी स्वयं की पेशा है, जो स्वाध्याय हमारे जीवन का अभिन्न किसी भी अवस्था में होना चाहिए, हमारे जीवन की चार अवस्थाएं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में चल रही है, स्वाध्याय सतत चलना चाहिए, वो हमारा उपेक्षित रह जाता है। इसके कारण से भी हमारे विवेकानंद जी के प्रति जो आस्था है वो आस्था तो है लेकिन उसकी परिणति हमारे जीवन में नहीं हो पाती है। इसको हमको ध्यान देना रहेगा कि आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन से सदैव जुड़ी रहे, समृद्ध रहे और हमारा उस पर हमेशा अभ्यास बना रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर जो आचार्य ने प्रकाश डालते हुए मुख्य रूप से शिकागो के घटनाक्रम पर विशेष बल देकर और हमको ये शिक्षा देने का प्रयास भी किया है, इस पर हम सभी लोग उपस्थित सभी लोग प्रयास करें। और पूर्व छात्र परिषद का सदस्य होने के नाते मैं अपने ऊपर स्वयं भार लेता हूँ और आप उपस्थित लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपने साथ के लोगों जितना अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं जोड़ें, क्योंकि इस प्रांगण की और इस पूर्व छात्र परिषद की बहुत प्रासंगिकता है। उस प्रासंगिकता को आज के समाज में ज्ञान कई विद्यालय दे रहे हैं भौतिक ज्ञान, लेकिन जो राष्ट्रवाद का और आध्यात्मिक ज्ञान हमारा विद्यालय दे रहा है इसमें हम अपनी मानता को समझें और उस पर कार्य करें।